शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। हेलो एंड नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पुराने शिव मंदिर में गई थी, तब अचानक ही लगा कि क्यों ना शिव भगवान से रिलेटेड ही कुछ आर्ट बना जाए, तो बस आज का वीडियो उसी से जुड़ा है। आज मैं आपके सामने नटराज मूर्ति की 2D ड्राइंग शेयर करने वाली हूँ, और जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। साथ में आई ट्राई टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज टू। तो इस वीडियो में भी शिव भगवान से रिलेटेड कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से और कुछ रहस्य है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आई एम 101% श्योर ये फैक्ट शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक विशेष सूचना। अगर आपको मेरे शेयर किए गए वीडियो अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो भी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें। सूचना समाप्त। मैंने ये नोटिस किया है कि आप मेरे वीडियो देखते तो हो बट लाइक नहीं करते। अगर पसंद भी आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिए अकेले, और कमेंट तो बाप रे बाप बहुत कम करते हो। प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताइए कि मैं आगे के कौन से टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, और आई विल ट्राई माई 100% कि मैं उस टॉपिक पे ज़रूर 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 वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो चलिए भगवान शिव से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं। वैसे तो भगवान शिव के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ पता ही होगा, जैसे कि वो त्रिदेवों में से एक हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी माँ पार्वती है और पुत्र कार्तिकेय और गणेश। इनकी पुत्रियाँ भी हैं जिनका नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी। इन्हें संहार का देवता यानी लॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। उनके जो त्रिशूल है ना, उसमें 3 शक्तियां हैं, जो है सत, रज और तम, यानी जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी नो कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए शिव भगवान कितने इम्पोर्टेंट देव हैं। डू यू नो, शिव भगवान ने कई वेपन्स यानी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है। जैसे शिव जी का जो धनुष है पिनाक, जिसका नाम है, वो उन्होंने ही बनाया है। उनका चक्र भवरेंदु है, परशु, चंद्रहास, और ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भी शिव भगवान ने किया है, और फिर इसे उन्होंने विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने इसे देवी पार्वती को दिया, और देवी पार्वती ने इसे परशुराम को दिया, और परशुराम ने सुदर्शन चक्र दे दिया श्री कृष्ण को। हाँ, जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ वो शिव भगवान के एक रूप नटराज की है, जिन्हें आनंद में तांडव करते हुए दिखाया है। नट यानी कला, और राज मतलब राजा, मतलब जो पूरी कलाओं का राजा हो उसे कहते हैं नटराज। तो शिव भगवान पूरे कलाओं के राजा थे, इसलिए उन्हें नटराज कहा गया। हम सभी ने नटराज की मूर्ति को कई बार देखा है, और उसके नीचे एक दबा हुआ राक्षस भी होता है। उस राक्षस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन होता है, लेकिन इस वीडियो को आगे देखते रहिए। उससे पहले हम ज़रा मूर्ति की बात कर लेते हैं। मूर्ति की 4 भुजाएं हैं यानी आर्म्स हैं, और उनके चारों ओर अग्नि का एक घेरा होता है। एक जो पाँव है उसके नीचे वो राक्षस दबा है, और जो दूसरा पैर होता है वो उठा हुआ होता है। एक हाथ में डमरू है, अगर आप देख रहे होंगे तो एक हाथ में डमरू बनाया गया है जो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरे हाथ में आग है या अग्नि, जो विनाश या डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो नटराज की मूर्ति है वो चौल वंश से रिलेटेड है, और ऐसा बोलते हैं कि ये 11वीं सदी की हो सकती है। नटराज की मूर्ति के बारे में हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बट उससे पहले ज़रा स्केच के बारे में बात कर लेते हैं।
स्केच बनाते टाइम पे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है और सर्कल को एक प्लस साइन के जैसे डिवाइड कर लिया है। याद रखिए, जब भी आपको कोई ह्यूमन फिगर बनाना हो तो हमेशा जब भी आप उसे जोन्स में या किसी ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में या यहाँ पर मैंने प्लस साइन यूज़ किया है, अगर आप वैसे उसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ह्यूमन फिगर के जो प्रोपोर्शंस है वो बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो जब भी आप बनाएंगे तो ट्राई कीजिए कि आप उसे प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होता है ना, हमारा जो हाथ पैर है वो बहुत ही अनइवन से नहीं बनते, बहुत प्रॉपर तरीके से बनते हैं। और आर्टिस्टिक पिक में आप कोई भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगल, थोड़ा मंडाला और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट अपना टच देने की कोशिश की है। तो हर चीज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ है, तो आप वैसा कर सकते हैं। दिखने में बहुत प्यारा दिखता है और थोड़ा सा ऑथेंटिक दिखता है। तो ये तो होगी स्केच के बारे में बात। चलिए वापस आ जाते हैं मूर्ति की तरफ और जानते हैं कि वो जो नीचे राक्षस दबा हुआ है वो कौन है। वो एक बौना राक्षस है जिसका नाम है अपस्मार या मुयालक, जो अज्ञानता और भूलने के रोगों का प्रतिनिधि है। जो मिर्गी का रोग है ना, उसे संस्कृत में अपस्मारी कहते हैं। शिव भगवान ने नटराज का रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे पुराणों में दो स्टोरीज मिलती है। तो सबसे पहले स्कंद पुराण की बात करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार है ना, ऋषियों को बहुत घमंड हो गया था कि उन्हीं की वजह से सब पृथ्वी का कारभार चलता है। तो जो ऋषि हैं एक बार यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नियां भी वहां पे बैठी हुई थी। तो हुआ ये कि माता पार्वती और शंकर जी वहां पे आए और उन्होंने अपना भेष भिखारी का कर लिया था। तो जैसे ही वो आए, वैसे ही ऋषि की पत्नियां उठी यज्ञ से और उनके पैर पड़ लिए। ये देख के जो ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये कौन है जिसे हमारे होते हुए हमारी पत्नियां उन्हें ये सब दे रही है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रही है। तो उनके ईगो बहुत हर्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, शिव भगवान को जो भिखारी के रूप में थे वो उनको पहचान नहीं पाए थे, तो उनको मारने के लिए बहुत सारे उनके ऊपर सांप छोड़ दिए। और तुरंत जैसे ही सांप छोड़े, जैसे ही वो शिव भगवान के पास गए, शिव भगवान ने उनको सबको नष्ट कर दिया। ये देख के ऋषि और ज़्यादा क्रोधित हुए और फिर उन्होंने बनाया एक राक्षस जिसका नाम अपस्मार था। और उस राक्षस को उन्होंने अपनी विधियों से, जो अपनी जो सब उनकी जो पावर थी उससे वो बनाया और उसे शिव भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जब शिव भगवान के पास गए तो वो शिव भगवान के ऊपर तो नहीं कर पाए कुछ, बट राक्षस जो था उसने माँ पार्वती को अपने इस वश में कर लिया और माँ पार्वती उससे बेहोश हो गई। ये देख के शिव भगवान बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया या बजाया। वो जो ध्वनि थी उसे सुनकर अपस्मार गिर पड़ा और तभी शिव भगवान ने नटराज का रूप धारण किया और जो मुद्रा बनाई उसे अंजलि मुद्रा कहते हैं और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। ये जब सब ऋषियों ने देखा तो ऋषि समझ गए कि ये कोई और नहीं शिव भगवान है और उनका घमंड चूर हो गया। और ऋषि बड़े ही विनम्रता से शिव भगवान के पैर पड़ने लगे और उनसे क्षमा मांगने लग गए। और फिर उन्होंने शिव भगवान से ये प्रार्थना की कि शिव भगवान जी, हमसे तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमने ये राक्षस बना दिया है, बट आप कृपया करके इसे अपने पैरों के नीचे ऐसे ही रखिए ताकि ये संसार में और ज़्यादा किसी को तकलीफ ना दे सके। तो बस तब से ये जो राक्षस है ये शिव भगवान के पैरों के नीचे दबा हुआ है और शिव भगवान ने इसको अपने वश में कर रखा है। तो ये तो हो गई स्टोरी नंबर 1। अभी एक और दूसरी स्टोरी इससे ही रिलेटेड है जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही शायद कम लोगों को पता होगी कि ये स्टोरी है क्या। तो पिछली वाली थी वो थी स्टोरी नंबर 1। अब भगवान शंकर ने नटराज का रूप क्यों धारण किया, इसकी एक और स्टोरी है जो कुछ ऐसे है। एक बार है ना, भगवान शंकर को आनंदमय तांडव करने की बड़ी इच्छा हुई, तो उन्होंने ये इच्छा माँ काली के सामने रखी। तो माँ काली ने कहा ठीक है करिए। ये सब देखने के लिए सब देवता
कैलाश पे गए और माँ पार जो सरस्वती थी वो वीणा बजाने लग गई, लक्ष्मी माता गाने लग गई, जो ब्रह्म देवता थे उन्होंने ताल देना शुरू कर दिया, इंद्र भगवान ने मुरली बजाना शुरू कर दिया। तो ये जो नटराज का रूप है वो देखकर माँ काली बहुत खुश है और उन्होंने शंकर जी को कहा कि भगवान मुझे ना आपको वरदान देने की इच्छा हो रही है। तब शंकर जी ने कहा कि देवी जैसे आप खुश हुए हैं बस मुझे ऐसा ही एक वरदान दीजिए कि मैं जो मेरा जो ये रूप है वो देख के बाकी के धरतीवासी भी खुश हो सके। तब माँ काली ने सारे देवताओं को धरती पर जाने का आदेश दिया और खुद श्री कृष्ण का अवतार लेके वृंदावन चली गई। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ रास किया। इसे देख सब पृथ्वीवासी प्रसन्न हो गए और यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार भी बताया गया है। है ना, पता नहीं था ना ये? देखा, मैंने कहा ना कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। क्या आप जानते हैं शिव भगवान और श्री राम के बीच में भी युद्ध हुआ था, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे की पूजा करते थे। इसके पीछे भी एक अमेजिंग स्टोरी है कि जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया तब यज्ञ का घोड़ा जहाँ भी जाता था वो राज्य श्री राम के राज्य के अधीन हो जाता था। फिर घोड़ा देवपुर पहुँचा और वहाँ का राजा था वीरमणि, जो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसने शिव भगवान की तपस्या करके अपने राज्य की रक्षा का वरदान शिव भगवान से मांग लिया था। पर जब ये घोड़ा उसके राज्य में आया तो उसने उस घोड़े को बंदी बना लिया। ऐसे में अयोध्या और देवपुर दोनों के बीच में युद्ध होना तो 100% श्योर था। तो महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में देखा और अपने गण वीरभद्र, नंदी, भृंगी और बाकी जो सेना थी उसको, जो वीरमणि था, उसकी हेल्प करने के लिए भेज दिया। युद्ध है ना काफ़ी भयंकर हो गया और सब तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखने लगा। तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम भी युद्ध की जगह पे पहुंच गए और तब फिर युद्ध होने लग गया। और इस समय जो श्री राम की सेना थी वो शिवगणों पर भारी पड़ने लगी। ये देख के शिव भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो शिव भगवान भी वहाँ पे चले गए और तब हुआ शिव भगवान और श्री राम के बीच में युद्ध। तो अब युद्ध और ज़्यादा भयंकर हो गया और इस युद्ध का कोई जो रिजल्ट है वो दिख ही नहीं रहा था। तो अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र करके एक अस्त्र निकाल लिया और शिव भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि इस अस्त्र से मुझे कोई हरा नहीं सकता और आपकी ही इच्छा और आज्ञा से मैं इसे आप पर ही चला रहा हूँ। और ऐसा कह के वो अस्त्र चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय में जाके समा गया। भगवान शिव इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए और प्रसन्न होके श्री राम जी से बोला कि मैं आपके इस युद्ध से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, तो आप है ना वर मांगिए। तब भगवान राम ने कहा कि प्रभु, इस युद्ध में जो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें प्लीज़ आप वापस से जीवन दान दीजिए। इसके बाद शिव भगवान की आज्ञा से जो वीरमणि है उन्होंने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और श्री राम ने वीरमणि को उसका राज वापस लौटा दिया और वो घोड़ा और जो शत्रुघ्न थे उनके साथ वो वापस अयोध्या चले गए। तो ये थी मज़ेदार सी स्टोरी। तो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन्वेंटिव जोन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।